देखिए, मैं कुछ फोर्स नहीं यूज कर रहा, ये तो उनको सोचना चाहिए। वो यहाँ मिलिट्री भी लगा सकते जो सीआरपीएफ की गाड़ी में एमएलओ को लेकर जा रहे हैं। मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूँ और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस की अभी जो हमारा बजट होगा उसमें जब वोटिंग होगी हमारी वहाँ निश्चित तौर पर जीत होगी। ये 2 बजे अभी स्पीकर साहब ने समय दिया है तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। बजट आज पास होगा सर? बजट आज पास होगा और कब होगा पास? आपके इस्तीफे की रूमर्स हैं सर, क्या कहेंगे? नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं ताकि विधायक दल में टूटन हो सके, और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रेवेंसीज है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। उन्हें तो जो 6 लोगों ने वोट डाला है उनको भी बचा के रखना मुश्किल हो रहा है। सीआरपीएफ की पोस्ट में ला रहे हैं, ला भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं, तो ऐसे मत घबराइए। वो वापस आ रहे हैं सर विधायक आपके पास? उसमें से कुछ विधायक मेरे संपर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, मैम प्लीज। सर ओवरऑल क्या स्थिति है आपके इस्तीफे की? चर्चा हो रही है कि आपने पेशकश की हाईकमान को, क्लैरिफिकेशन। देखिए, ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी, और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है, अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है, किसकी पक्ष में वोटिंग करते हैं ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा। पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और 6 विधायक वो अभी मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के हमारी लॉयर आए हैं ऊपर, स्पीकर हाउस में उनकी अभी 1:30 बजे उनकी पेशी थी, और उस पर मैं क्या कहूँगा मुझे पता नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ। चर्चा के मंत्री ने इस्तीफा दिया है? नहीं, उनसे बात कर लेंगे, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उनके जो ग्रीवेंसीज है वो हमारे भाई है, वो मेरे साथ कई बार बात कर चुके हैं, तो अगर ऐसी बात होती है तो उसमें उनसे बात कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं।